हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वी किचन। आज स्नेहा वी किचन में मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर की रेसिपी। तो ये बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है, आप भी जरूर घर पर ट्राई करिए और बच्चों को घर का बना हुआ ही खिलाइए। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन, जिसमें डाली हूँ मैं 1 चम्मच सरसों का तेल और इसमें डाल दी हूँ मैं 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल दी हूँ, आप तीखा कम या ज़्यादा खुद से कर सकते हैं। फिर मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जैसे कि ये है बीन्स, इसे मैं छोटा छोटा काट ली हूँ, और गाजर दोनों को। और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बीटरूट, ये हाफ बीटरूट डाल रही हूँ मैं, इसे भी मैं बारीक काट के डाल दी हूँ। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा मसाला, जैसे कि मसाले में हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और ये है लाल मिर्च पाउडर, और भुना हुआ जीरा पाउडर। उसके बाद मैं इसे भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें डालूँगी बॉईल किया हुआ आलू, जिसे मैं ग्रेट कर ली हूँ, और इसके बाद इसमें मैं बॉईल किया हुआ मटर डालूँगी और ये स्वीट कॉर्न। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं ऐड की हूँ, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब इसके बाद इसे मैं इसे थोड़ा सा निकाल लूँगी बाहर और थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तो इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नस्टार और थोड़ा सा नमक। इसके बाद इसको मैं एक घोल बना लूँगी, ये देखिए, ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे, इसका घोल को मैं बनाऊँगी। चलिए अब मैं बनाती हूँ बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए टिक्की बनाना पड़ेगा, तो टिक्की के लिए मैं इसे अपने हाथों से सेक दे दे रही हूँ टिक्की का। ये देखिए, ये बहुत ही आराम से बन जाता है। मैं देखिए ये बना ली हूँ, और अब मैं इसे इस घोल में डालकर और इसके ऊपर से ये ब्रेड क्रम को लगा दूंगी। तो ब्रेड क्रम आप घर पे ही बना सकते हैं आराम से। ब्रेड जो होती है उसे आप मिक्सी के जार में ग्राइंड कर दीजिए, देखिए आपका ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैं 4 बना ली हूँ टिक्की। अब मैं इसे सेलो फ्राई करूँगी। तो मैं पैन में डाली हूँ ऑयल, ये 2 चम्मच इतना ऑयल है, और सरसों तेल है। इसमें मैं सारी टिक्कियों को स्लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लूँगी, और दोनों साइड से इसे अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूँगी। तो ये आप देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही फटाफट बन भी जाती है। बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी ही देने की कोशिश करेंगे, घर पर ही बना करके अगर कोशिश करेंगे ना तो आराम से बन जाती है। तो देखिए मेरी ये टिक्की फ्राई हो गई है, और फिर मैं पैन में डाली हूँ थोड़ा सा बटर, और उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ कोरिएंडर लीव्स। दोनों को डालकर मैं इसमें अपना जो ब्रेड है उसको सेक लूँगी। तो ये ऊपर नीचे दोनों साइड में इसे अच्छे से सेक ले रही हूँ, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए हमारा बर्गर, और उसके बाद फिर मैं इसको स्टफिंग करूँगी और असेंबल करूँगी। तो देखिए ये मैं बहुत अच्छे से सेक ले रही हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है ये, आप भी इसी तरह ट्राई करिएगा ज़रूर। तो चलिए अब इसे मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 बाउल ली हूँ, दोनों में डाली हूँ मेयोनीज, और मेयोनीज आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपको जो भी पसंद है। उसमें मैं डाली हूँ एक में मैं डाली हूँ थोड़ा सा रेड चिली सॉस और टमाटो सॉस। इन दोनों को डाल के मैं मिक्स कर लूँगी, और ये दूसरे वाले में मैं डाली हूँ कोरिएंडर लीव्स की चटनी। दोनों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये हमारी जो चटनी है ये मैं बन में लगाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है, आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए ये दोनों बन गई है। अब मैं दोनों पहले मैं ये रेड वाली लगाऊंगी, और मैं थोड़ा सा कम ही लगा रही हूँ, मुझे क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं आते तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम ही लगाई हूँ। आप इसमें थोड़ा कम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और देखिए मैं दूसरे वाले में ग्रीन वाली लगा दी हूँ, इसी तरह आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, क्योंकि ये घर पे बना हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छी लगती है। उसके ऊपर मैं डाल दी हूँ ये लेटस लीव, और उसके बाद मैं फिर मैं डाल दूँगी ये हमारी टिक्की। टिक्की डालने के बाद इसके ऊपर आप कुछ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे मैं खीरा डाली हूँ, टमाटर और प्याज, ये सब मैं इसके ऊपर से डाल दी हूँ। आप इसमें चीज़ भी अगर डालना है तो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप इसमें चीज़। और उसके बाद इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला का पाउडर थोड़ा डाल दूँगी। देखिए ये थोड़ा सा चाट मसाला का मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं
इन दोनों को ऊपर से ढककर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारी बर्गर की रेसिपी एकदम रेडी है बच्चों को खाने के लिए। आप घर पर बना करके दीजिए, देखिए बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। तो बच्चे को बना के ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बर्गर काट के भी दिखा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही अच्छी भी है। घर की बनी है तो हेल्दी भी है, तो आप भी ज़रूर इसी तरह ट्राई करिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।